sister. Chumada la una, chumada la otra, watch out them children. Ramadan, 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 inshallah. Sula qa'da antul hijja, sister of Islam. Muharram. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the best days to fast after the month of Ramadan are in the month of Muharram. Fasting on the 10th day of Muharram will wipe away the sins of the previous year. It is best to fast on the 9th, 10th, and 11th of Muharram. Learning is fun, learning with Muharram Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Isa the man say Islam. Jumada al-Ula, Jumada al-Ukhra, Rajab al-Shaban. Ramadan, 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 inshallah. Sula qa'da antul hijja, Isa the man say Islam. Muharram Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Isa the man say Islam. Jumada al-Ula, Jumada al-Ukhra, Rajab al-Shaban. Ramadan, inshallah. Sula qa'da antul hijja, Isa the man say Islam. Muharram. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the best days to fast after the month of Ramadan are in the month of Muharram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों सब आप लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो चलें आज की क्लास हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेंगे राइट औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उखदतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब और आप सबको याद है आपके लिए हमने एक टैलेंट हंट रखा था और बहुत सारे आप लोगों के ऑडियोज एंड वीडियोज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा कि हमें चेक करने में मुश्किल हो रहा था ओके अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने बहुत अच्छा जॉब किया बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने टैलेंट्स को हमें दिखाए हैं आपका जो टैलेंट हंट था हमें पता चला है कि आप लोग इतने इम्पोर्टेंट इतने स्पेशल इतने आप में अच्छी क्वालिटीज है बहुत खुशी हुई आपकी ऑडियोज और वीडियोज सुनकर पहले तो हम्द था राइट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हम्द की ऑडियो रिकॉर्ड कर भेजी अल्लाह ताला की प्यारे प्यारे नाम थे उसमें अल्लाह ताला की तारीफ थी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फिर नात भी लोगों ने हमें रिकॉर्ड करके भेजी लेकिन कुछ नात में बच्चों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि उसमें उन्होंने ना शिर्किया यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर का दर्जा दे दिया तो हमें बहुत केयरफुल रहना है आप अपनी मम्मा से भी कहें कि जब भी आपको कोई नात सिखाएं तो आपको ऐसी नात सिखाएं जिसमें कोई शिर्किया बात ना हो जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर का दर्जा ना दिया जाए ठीक है तो कुछ ऐसी भी नात आई थी जो सही नहीं थी और बहुत सारों ने सही नातें भी भेजी अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोगों को 1 मिनट दिया गया था और टॉपिक्स भी दी गई थी और आपको ये बताना था कि आप शैतान को कैसे डिफीट करोगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आप सब ने रिकॉर्ड कर भेजे हैं और हाउ टू विन अदर्स हार्ट इस पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला कि कैसे लोगों का दिल जीता जाता है और ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों कि हम दूसरों के दिल को जीतें
उनको खुश करें, उनके दिल को जीते, इससे वो आपसे मोहब्बत करेंगे। और फिर आपकी मामा के लिए भी आपने मैसेज देना था, तो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज अपनी मामा को दिए हैं और आपकी मामा के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी मामा और आपके अब्बू को अपना महबूब बना ले, अल्लाह आप लोगों के घरों में बरकतें अता फरमाए, आमीन या रब। तो देख लेते हैं, इसमें हमने ना बहुत सारी ऐसे नेम्स हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेती हूँ जिन्होंने टैलेंट हंट में हिस्सा लिया था। हुमेरा कोनेन, मारिया खंसा, सुमैया बेगम, सैयदा रूहिया, मैमुना, जैना मरियम, सुदैम, जुरैज, मुआज होगा आई थिंक ये, ओके, खंसा, तस्नीम, मुंतसिर एंड मोहिबा, अनदर वन इज हाइडिंग हियर विद ए हार्ट, ओके, मुजतबा, हमजा एंड सफा, आयशा बेगम, सैयदा फरहीन, नेमतुल्ला, बहुत सारे नाम्स हैं माशाल्लाह, नेम्स है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हमजा, अमतुल, सफा, अनहा, आयशा बेगम, सैयदा फरहीन, नेमतुल्ला, फायजा, अलीना, जोया, आयशा फारूकी, अक्सा शोएब, साद शोएब, शिजा साले, मीर मुस्तफ़ा अली, मीर मोहम्मद अयान अली, आयशा फातिमा, सारा, अयान अशरफ, दाऊद हसन, आयशा खलील, अब्दुल अजीजुद्दीन, आसिफा हुमेरा, सिमरा फारूकी, अजान अली खान, रुखसार शकील शेख, खदीजा आलम, अदीना मरियम सैयदा, अफीफा मरियम सैयदा, अब्दुल मालिक वसीमुद्दीन, मारिया वसीमुद्दीन, नाजिया सबा, मफाज अहमद, अलीजा खान, जैनब रेहान, मरियम उम सुलेम, मरियम इकबाल, आयशा सिद्दीका, अब्दुल मालिक, जिक्रा तस्कीन, दीबा आमना, सैयदा सुमैया, सैयदा आमिना, सैयद उस्मान, महमूद अली, फातिमा जोया, फरहानाज, अलविया सिद्दीका, जिक्रा तस्कीन, हाजिरा फातिमा, मरियम इकबाल एंड माविया मीर, उफेरा फातिमा, सिद्दीका बानो, हादिया, शेख बिलाल, मरियम फातिमा, अमतुर रहमान, सुमैया सलीम, रिदा अमीरा इश्तियाक, मोहम्मद अयानुल्लाह, रुकैया मोहम्मद, अब्दुल्ला, जैद जुबैर, अब्दुर्रहमान, अशआर सलाउद्दीन एंड शमाइल सलाउद्दीन। सो बहुत बहुत आप सबको मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने बहुत अच्छी कोशिश की है और आपने अपने टैलेंट हंट की जो वीडियोस भेजी हैं उस पर अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा अजर अता फरमाएंगे, ठीक है, आपने जो इतनी कोशिश की है ये वेस्ट नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चले अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, और आज की क्लास आप सबको पता है मुहर्रम के बारे में है, राइट। अभी आप लोगों ने मुहर्रम के बारे में मुहर्रम के मंथ जो सारे मंथ से उसकी आपने सॉन्ग भी सुनी है, आपको याद है सारे महीनों के नाम जो अरबिक में नेम्स होते हैं, याद है, चले बड़ी अच्छी बात है। तो हम देख लेते हैं, एक मेरे पास ना ऑडियो आई भी है और दो बहने हैं, सिस्टर्स हैं, काफी एक्साइटेड है, आप लोग सुनना चाहते हैं वो दो बहने क्या बातें कर रही है, सुनना चाहते हैं, ओके चलें ठीक है, देख लेते हैं कि ये दो बहने ना क्या बातें कर रहे हैं, एक मिनट हम इनकी बातों को सुन लेते हैं। ओहो जहरा, ये पैसे क्यों जमा कर रही हो? अरे दीदी क्या भूल गई, कल मुहर्रम का मेला लगने वाला है, झूले, तलवारें और बहुत सारे खिलौने खरीदना है। मैंने तो इसकी तैयारी पहले से ही कर ली है,
खूब सारे पैसे भी जमा कर लिए, फुल एंजॉय करेंगे। ये देखो मेरे हाथ में। अरे अरे चूड़िया आपने अभी पहन ली, मेरे कहाँ है? ये लो, यही देने आई हूँ। दीदी मुहर्रम का महीना आते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। हाँ मुझे तो शरबत बहुत पसंद है और घर में तरह तरह के खाने भी बनते हैं। याद है दीदी लास्ट ईयर लोग किस तरह ब्लैक कपड़े पहन कर अपने सिरों पर जोर जोर से हाथ से बार रहे थे, ब्लेड से बार रहे थे और हर तरफ खून ही खून था और बगैर चप्पल पहने होते हैं ना सब। अरे जहरा उसे मातम कहते हैं और सब जुलूस की शक्ल में जाते हैं और साथ में बड़ा सा हाथी भी होता है। याद है दीदी वो कोलरे वाला बड़ी सी रस्सी लेकर किस तरह अपने आप को मारता है और बास तो बगैर चप्पल पहनकर अंगारों पर चलते हैं। हाँ हाँ यही सब चीजें देखने के लिए ही तो लोग दूर दूर से आते हैं और सब औरतें बच्चियां घरों की छत और बालकनी में किस तरह डिचाडिच भरी होती है। वाकई दीदी जगह जगह शरबतें और पानी बांटे जाते हैं और दीदी मुझे तो मुहर्रम के रोज बहुत पसंद है। हाँ हाँ चुंगे भी क्योंकि ये खास मुहर्रम में ही बनते, इसलिए क्या बात मुहर्रम की। हाँ भाई मुहर्रम के महीने का मजा ही कुछ और है। ये तो दोनों बहनें काफी एक्साइटेड हैं और ये मुहर्रम के महीने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। क्या प्यारे बच्चों आप लोगों ने भी कुछ इस तरह स्पेशल प्लानिंग की है मुहर्रम की? हमारे यहाँ तो आज 10th मुहर्रम है, कल आप लोगों के यहाँ 10th मुहर्रम है, तो क्या आप लोग इस तरह कहीं मेले में जाने वाले हो ये सब सारी चीजें देखने के लिए? जाने वाले हो? यस हु इज मरियम फातिमा, मरियम कह रही है नहीं हमने नहीं जाना, बिल्कुल सही। अच्छा देखें आज हम ना सीखेंगे, मुहर्रम का महीना अल्लाह ताला का महीना है, 12 मंथ्स है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, सारे महीने अल्लाह ताला के, लेकिन अल्लाह ताला कुछ महीनों को स्पेशल करके कहते हैं कि ये मेरा महीना है। इट शोज कि अल्लाह ताला को ये महीना बहुत पसंद है, यानी इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, सारे महीने अच्छे होते हैं। इट डजंट मीन कि बस मुहर्रम और रमजान ही अच्छा महीना है एंड अदर ऑल मंथ्स वो अच्छे नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ऑल मंथ जितने भी महीने ना सब बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ महीने स्पेशल होते हैं ना, होते हैं ना स्पेशल, तो मुहर्रम भी बहुत ही स्पेशल महीना है और इसको कहते हैं ये अल्लाह ताला का महीना है। मुहर्रम द मंथ ऑफ अल्लाह। अब आपको पता चला ये मंथ कितना स्पेशल है, तो इस स्पेशल मंथ में अभी हमने ये दो बहनों की बातें सुनी है। ये दो बहनें बहुत सारी चीजें डिसाइड कर रहे थे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप ना अपने घर के बाहर, आप अपने स्ट्रीट पर, आप अपने एरिया में देखेंगे इस महीने में बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और कहते हैं कि ये करने से सवाब मिलता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सवाब का है, कौन से काम को जो हम सवाब समझ के करते हैं ना, अच्छे अच्छे काम करते हैं, हाउ डू वी नो कि ये अच्छे काम है या बुरे काम है, कौन बताएगा हमें? क्योंकि हर कोई अपना अपना तरीका लेकर आके कहता है कि ये अच्छे काम है। ये जैसे अभी आपने पहली स्लाइड में देखा इसको लोग अच्छा काम समझ कर करते हैं, जैसे ये देखा आपने इमेज नजर आ रही है आपको, ये अच्छा काम है इसमें सवाब मिलता है इसलिए करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई अच्छा काम है कि नहीं? Who will check? हमें कहां से पता चलेगा? How do we know whether the deeds we are doing are accepted or not? तो हमें ना ये तीन चीजों से पता चलेगा। अच्छी तरह से आप इसको याद रखें, हम जो भी काम करते हैं जो नेकी समझ के करते हैं ना, अच्छे अच्छे काम जिसपे हमें अल्लाह जन्नत देंगे, जन्नत में अगर जाने वाले काम है तो हम कहां से चेक करेंगे? कुरान में। वी हैव टू लुक इन टू द कुरान की अल्लाह ताला ने कुरान में उस बात के बारे में बताया है कि नहीं। और दूसरी चीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कहा है कि नहीं, वो अपनी लाइफ में करते थे कि नहीं। एंड थर्ड वन सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, क्या उन्होंने किया था कि नहीं।
सो वी हैव टू लुक इन टू दिस थ्री सोर्सेस, ये तीन चीजों में हमने देखना होगा. अगर हमें वो अच्छी बात कुरान में मिल जाती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में अगर बताया है या किया है, या सहाबा अकराम ने किया है, देन वी विल आल्सो डू इट. अगर हमें इन तीनों चीजों में नहीं मिलता, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने किया, सहाबा अकराम तो कितने अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, अल्लाह उनसे राजी हो गए, अल्लाह इज प्लीज्ड विद देम, सहाबा अकराम के लिए तो जन्नत है. तो अगर हमें कोई भी नेकी का काम, कोई भी अच्छा काम ये तीन जगह नहीं मिलता तो हमें भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, अब मुझे बताएं ये वाला काम जो है मुहर्रम वाले में, काले कपड़े पहनना. ओके, काले कपड़े पहनते हैं ना लोग, काले कपड़े पहनते हैं, इस तरह के प्रोसेशंस निकालते हैं. तो हम चेक करेंगे कि क्या इसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया. नो, हमें तो कहीं नहीं मिलता कि अल्लाह ने इस तरह हमें कुरान में करने के लिए कहा है. इनफैक्ट अल्लाह ताला ने तो कुरान में ये कहा कि लोग जो है अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाए, जुल्म ना करें अपने आप पर. और हदीस में भी हमें नहीं मिलता, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सैड फील करने के लिए, कोई फौत हो गए, कोई मर गए हैं तो ब्लैक कपड़े पहने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ब्लैक कपड़े नहीं पहने, ना ही आपने कभी कोई हदीस में बताया, ना सहाबा अकराम ने इस तरह किया. तो ये सारी चीजें गलत है, ये सवाब की चीजें नहीं है. और मुहर्रम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बताई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो द बेस्ट फास्ट जो है ना आफ्टर रमदान इज इन द मंथ ऑफ अल्लाह, मुहर्रम के महीने में. रमजान में हम सब रोजे रखते हैं, राइट? आप सबने देखा है ना रमजान में सब रोजे रखते हैं. रमजान के बाद, रमजान के रोजे तो फर्ज है, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, मस्ट है आप पर. लेकिन जो मुहर्रम का महीना है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा रोजे रख सकते हैं. अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन आप अपनी मम्मा को बता सकते हैं. तो क्लास खत्म होने के बाद मम्मा को जरूर बताएं, घर में दादा दादी है या नाना नानी है, अब्बू है, आपके खाला, जिनको भी है आप बताएं, प्लीज आप जरूर बताएं, अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे. आप ये बताएं कि रमजान के बाद का जो बाद के जो रोजे अल्लाह ताला को पसंद है वो कौन से महीने के, मुहर्रम के महीने के. तो इसमें हमें ना ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने चाहिए. और स्पेशली 10th मुहर्रम, आज तो हम सब यहाँ पर है मिडिल ईस्ट वाले, रोजा है आज हम, क्योंकि हमारे यहाँ 10th है आज, और इंडिया और पाकिस्तान में कल 10th ऑफ मुहर्रम है, तो कल लोग रोजा रखेंगे. 9th और 10th को रखते हैं या 10th एंड 11th, लेकिन क्यों रखते हैं? चलें आप लोग जरा सोचे कि व्हाई डू वी हैव टू फास्ट ऑन 10th ऑफ मुहर्रम. ऐसा क्या स्पेशल बात है कि सब लोग 10th ऑफ मुहर्रम को रोजा रखते हैं एक डे उसके पहले या एक डे उसके बाद? वाई, चलिए हम ना ऐसे करते हैं, किसी से पूछ लेते हैं कि उनको पता है कि नहीं कि इतनी स्पेशल क्या बात है 10th ऑफ मुहर्रम की. और ये हमें कौन बताएंगे इसके, हम पूछ लेते हैं समारा खान. समारा खान, समारा खान, अस्सलाम वालेकुम समारा, हाउ ओल्ड आर यू समारा? मैं 8 साल की. चले फिर तो आप मुझे लगता है बता सकेंगी. मम्मा साथ में बैठी हैं आपके? नहीं. ओहो, तो कोई नहीं है आपके साथ में अभी? अंदर रूम में हूँ. अच्छा चले ठीक है, पहले आप मुझे बताएं, मैं तो मम्मा से पूछ कर बताएं, हम 10th ऑफ मुहर्रम को रोजा रखते हैं, क्यों रखते हैं? नहीं पता ना आपको समारा? नहीं पता. अच्छा चले, कहाँ मम्मा को डिस्टर्ब करेंगी, रहने दे आप, मम्मा के पास ना जाएं, हम किसी और से पूछ लेते हैं. ठीक है समारा, थैंक यू. बाजी P9 P8 से पूछ लेते हैं. ओके ठीक है, P8 एंड P9 प्लीज अनम्यूट कीजिएगा. ओके P8 एंड P9 अपने नाम भी बता दें प्यारे प्यारे से, अनम्यूट कीजिएगा. P8 यानी ग्रुप P से है और रोल नंबर 8 है एंड 9 है. ग्रुप P से, रोल नंबर 8 एंड 9, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज. असरा, इनका तो अनम्यूट नहीं हो रहा है. मैंने परमिशन भेजी है लेकिन यस, P8 अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा. ओके बिस्मिल्लाह, डन. चलें पहले तो आप दोनों, फिर से म्यूट हो गया आप लोगों का माइक.
वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप दोनों अपने प्यारे प्यारे से नाम बताएं। P8 और P9 है तो नाम भी बता दें। अब्दुल मालिक वसीमुद्दीन, मारिया वसीमुद्दीन। मारिया वसीम एंड अब्दुल मालिक, दोनों राइट? जी। चलिए माशाल्लाह, मारिया ने तो इतना प्यारा सा स्कार्फ लेकर भी बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान को घर से भगा दिया। और भी मुझे आपके कैमरे में दो नजर आ रहे हैं प्यारे प्यारे से फ्लावर्स, कौन है ये दोनों? इनके भी नाम बताए। अच्छा, छोटे भाई बहन है। ओके, बताएं कि हम कल रोजा रखने वाले हैं ना आप लोग कल इंडिया में, 10 मुहर्रम का, क्यों रखते हैं हम? इंडिया में नहीं है, बहरीन में। ओ बहरीन में, तो आज आपकी मम्मा ने रोजा रखा होगा फिर? यस्टरडे और आज भी सेम रखा था। चले, तो क्यों रखते हैं हम रोजा? ये ऐसा क्या स्पेशल हुआ था? लास्ट ईयर के गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और चले, कोई बात नहीं, बिल्कुल हम देख लेते हैं हदीस से। बहुत अच्छा आप लोगों ने कहा है, अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आई थिंक असरा अब्दुल मालिक और मारिया वसीम की ही मामा ने बताया था कि ये माशाल्लाह क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और हर चीज को फॉलो करते हैं। जी बाजी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी मामा ने बड़ी तारीफ की है आप दोनों की। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से क्लासेस लेते हो आप, और जो कुछ क्लास में सुनते हो आप उसको फॉलो भी करते हैं। और मोहम्मद अयान भी बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं, टोपी पहन कर बैठे हैं। निदा खमर काफी फोकस्ड है, गुड निदा, अच्छी तरह से बैठी हैं क्लास में। ओके, मरियम फातिमा भी। तो चलें ठीक है, अभी हम देख लेते हैं हदीस से। ओके चलें, बिस्मिल्लाह। इस दिन पता है क्या हुआ था? अच्छी तरह से इस स्टोरी को सुने, क्योंकि ना लोग क्या समझते हैं पता है आपको, इस दिन रोजा इसलिए रखते हैं कि ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जो है ना वो शहीद हुए थे, इस वजह से रोजा रखते हैं। नो दैट्स नॉट करेक्ट, ऐसी बात नहीं है। ग्रैंड सन आपके शहीद हुए थे इस वजह से हम रोजा रखते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वन। द करेक्ट हदीस ये है अल बुखारी की, नंबर 1865 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का में रहा करते थे, पता है ना आप सबको, फिर मक्का से माइग्रेट करके मदीना चले गए, मदीना गए थे। और जब वहां मदीना गए ना, तो वहां पे जो यहूदी लोग थे वो 10th ऑफ मुहर्रम को रोजा रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि व्हाट इज दिस, कि आप इस दिन क्यों रोजा रखते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि दिस इज ए गुड डे, ये तो बड़ा अच्छा दिन है 10th ऑफ मुहर्रम। आज के दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को, जो फिरौन था पता है ना आपको, कितना टॉर्चर करता था, तो फिरौन से अल्लाह ताला ने उन सब को सेव कर लिया, बचा लिया, तो इस वजह से मूसा अलैहि सलाम रोजा रखते हैं। टू बी थैंकफुल टू अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह ताला के लिए दिखा, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने की अल्लाह ताला ने फिरौन से बचा लिया। तो अब आपको पता चला कि हम आशूरा का 10th ऑफ मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला ने क्या किया, फिरौन से निजात दी। फिरौन पता है ना कितना जुल्म करता था, टॉर्चर करता था लोगों को, उसने तो कहा था नऊज बिल्ला कि मैं ही खुदा हूं, और सबको लेबर बना के रखा था। तो अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क कर दिया समंदर में, पता है ना आपको ये स्टोरी सारी। तो इस पर मूसा अलैहि सलाम ने रोजा रखा था कि अल्लाह तेरा शुक्र है आपने हमें बचा लिया फिरौन से, फिरौन तो हमें इतनी तकलीफ देता था। तो मूसा अलैहि सलाम रोजा रखते थे, ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम भी रोजा रखेंगे। ठीक है, तो 10 मुहर्रम को पता चल गया क्यों रोजा रखते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ग्रैंडसन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स बिकॉज कि हमें अल्लाह ताला जैसे पता चला है मूसा अलैहि सलाम ने शुक्राने के तौर पर खुशी में निजात मिलने पर रोजा रखा था। ठीक है, और इस रोजे में क्या मिलेगा हमें, अल्लाह ताला एक साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे गुनाह भी होते हैं और बड़े बड़े गुनाह भी होते हैं। बड़ा गुनाह पता है क्या है? चले मुझे कोई तीन गुनाह बताएं जो बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, उसमें से मैं किससे पूछूं कि कोई तीन बड़े गुनाह मुझे बता दें। और ये बताएं सैयदा खतीजा फ्रॉम ग्रुप क्यू, रोल नंबर 91। वालेकुम अस्सलाम जी खतीजा, आप मुझे बताएं कोई बड़े बड़े से गुनाह बताएं। जैसे कि अपन हम लोग हमाम वही जाते हैं तो अल्लाह का कभी नाम नहीं लेना, क्यों मालूम, हमाम
शैतान का घर है, तो हमें अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए। ओके माशाल्लाह। और दूसरी बात, और हमें मगरिब के टाइम तुम्हारे बैड एंजल्स अपने घर की छत में रहते हैं, तो हमें अच्छा खतीजा ने बहुत अच्छा पॉइंट आप सबको रिमाइंड करवाया है कि मगरिब के वक्त पर हम सबको घर में होना चाहिए, स्पेशली बच्चों को। उस वक्त पे शैतान निकलने का टाइम है, राइट? एंड द शैतान क्या करते हैं, छोटे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो बच्चों को क्या चाहिए कि मगरिब से पहले घर में आ जाए। ओके मोहम्मद अयान, ही रेज्ड हिज हैंड, सो लेट मी आस्क हिम। मोहम्मद अयान, कोई बड़े गुनाहों में से बताएं आप। मैंने परमिशन भेजी है, अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अयान, कोई बड़ा गुनाह बताएं। शिर्क करना और कत्ल करना। माशाल्लाह परफेक्ट। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी और के सामने सजदा करना, अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और से दुआएं मांगना, ये शिर्क है, राइट? वेरी गुड माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाहु खैरन। अच्छा चले म्यूट कर ले मोहम्मद अयान। ओके और एक बड़ा गुनाह जो किसी को याद नहीं आ रहा है और सबसे बड़ा गुनाह है, और वो है कि अम्मी और अब्बू की नाफरमानी करना। आप लोगों को लगता होगा ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मम्मा की बात नहीं सुने तो कुछ नहीं होगा, अब्बू की भी बात सुनेंगे तो कुछ नहीं हो, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अम्मी और अब्बू को सताना, उनको तकलीफ देना, उनकी बात नहीं मानना, उनको नाराज करना, ये बड़ा गुनाह है। ओके तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देते हैं ये रोजा रखने से, बड़े गुनाह के लिए तो आपको स्पेशली अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआएं करनी पड़ेगी। बड़े गुनाह शिर्क कर दिया, मम्मा को नाराज कर दिया, तो आपको रो कर दुआ करना होगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इन दिनों में, ये सारा महीना स्पेशल है, हम क्या करें सारे महीने में? मूवीज देखें, पिकनिक्स पर जाएं, क्या करें हम इस महीने में? ये तो मंथ ऑफ अल्लाह है ना, बहुत ही स्पेशल मंथ है। आपने ये बात सुन के ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने मम्मा और अपने अब्बू को बताना है ये बातें। ये महीना बहुत स्पेशल महीना है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आप नमाज टाइम पर पढ़ें, और दूसरी जो नवाफिल नमाजें वो पढ़ें, खूब सारी दुआएं करें, अपने गुनाहों की माफी अल्लाह ताला से मांगे। आप लोग कितनी बार फ्रेंड्स से कहते हैं ना, प्लीज सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, कहते हो ना फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स को खुश करने के लिए। तो फिर अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते आप लोग? कोई ऐसा काम करें, जब भी यानी जब अजान हो या कोई घर में नहीं है, आप अकेले बैठे हैं, तो तब आप ना अल्लाह ताला से बात करें, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दें, ठीक है? अल्लाह ताला को भी, आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला को भी, अल्लाह ताला से भी आप माफी मांगे। और बहुत सारा सदका करें, अगर आप लोग एट दिस एज, फ्रॉम दिस एज, अगर आप लोगों ने सदका करना नहीं सीखा, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को सदका करना बहुत ही मुश्किल लगेगा। और हमेशा अपनी फेवरेट चीज में से थोड़ा सा शेयर निकाल कर जरूर किसी और को दिया करें, ठीक है? अगर मामा घर में आप लोगों के लिए एक पिज्जे का पूरा फुल पिज्जा लेकर आती है, तो उसमें की एक स्लाइस आप उठाकर रखें, कल हाउसमेड आएगी उसको दे दें, या फिर अपने पड़ोसी में किसी को दे दें। ऑलवेज मेक दिस के अपनी हैबिट बनाएं कि जो भी आपको अल्लाह ताला देना, वट एवर अल्लाह गिव्स यू, चाहे वो खाने हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो आपकी स्टेशनरी आइटम्स हो, जो भी हो, तो आप क्या करें, थोड़ा सा उसमें से निकाल कर क्या करेंगे, क्या करेंगे, अल्लाह ताला के लिए दूसरों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, शैतान पता है क्या कहता है, शेयर ना करो, शेयर करने से ना खत्म हो जाएगा, अगर अपनी चीजें शेयर करेंगे ना तो फिर वो चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी, हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब आप अल्लाह ताला के लिए कोई चीज देते हैं तो अल्लाह उसमें और ज्यादा कर देते हैं। तो शैतान की बात सुनोगे आप लोग? शैतान आपको शेयर करने नहीं देगा, स्पेशली भाई बहनों के साथ तो बिल्कुल नहीं शेयर करने देगा, कहेगा ना शेयर करना। लेकिन आप तो प्यारे से मोमिन बच्चे हो, और मोमिन बच्चे अपनी चीजें शेयर करते हैं, अपने टॉयज भी शेयर करते हैं, अपने खाने की चीजें भी शेयर करते हैं, तो सदका भी दिया करें। ओके सदका देने से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
और जितने पैसे हम अल्लाह ताला के रास्ते में देंगे, अल्लाह ताला और ज्यादा आपको अता करेंगे। और खूब सारा जिक्र करें, इस्तग़फार पढ़ें, स्पेशली 10th, 11th, या 9th या 10th का रोजा रखें। और महीने में दूसरे ये महीने में और भी रोजे रख सकते हैं, कुरान की तिलावत करें, अच्छे अच्छे काम करने हैं। और इस महीने में नो लड़ाई झगड़ा, यस नो लड़ाई झगड़ा, चोरी, चीखना, चिल्लाना, वैसे तो कोई मंथ में नहीं करना है, लेकिन मंथ ऑफ अल्लाह है, ये बहुत स्पेशल मंथ है। अल्लाह ताला ने कहा इस महीने में कोई गलत काम नहीं करना, छोटा सा भी आपका गलत काम आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा उसका गुनाह देंगे। तो इस महीने में कोई भाई बहनों से फाइटिंग नहीं होगी, कहना ये मुहर्रम का महीना है, इसमें अल्लाह ने लड़ाई झगड़े करने से मना किया है, इसमें अल्लाह ने जुल्म करने से मना किया है। तो कोई क्या करेंगे, नो लड़ाई झगड़ा, याद रहेगी बात, ये रहेगी बात। अगर कोई एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे तो दूसरा रिमाइंड करवाएंगे, नहीं ये मंथ ऑफ अल्लाह है, इसमें हमने लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में कुछ बच्चों को बड़ा मजा आता है मेलों में जाने के लिए, मेले जाते हैं ना, मेले लगते हैं, मेलों में जाते हैं, लेकिन और उस मातम होता है, मातम में आपने देखा है वो खून जैसे, आई थिंक हमारे पास है वो स्लाइड, लेट मी चेक कहाँ गई, ओ We missed that slide. आपने देखा है लोग जो मातम करते हैं अपने सीने पर मारते हैं और उनके सीने से उनके चेस्ट से ब्लड निकलता है, वो ना जोर जोर से अपने सीनों पर मारते हैं, ब्लैक कपड़े पहनेंगे, ब्लैक कपड़े पहनकर जोर जोर से ना वो अपने सीनों पर मारते हैं, और वो मारने से क्या होता है उनके ना ब्लड निकलता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो मुसलमान है ही नहीं जो अपने चीक्स पर मारे, गुस्से में मारते हैं ना कई लोगों को, देखा हाय ये क्या हो गया इस तरह के, या फिर अपने कपड़ों को फाड़ते हैं, या जोर जोर से चीख के चिल्ला कर रोते हैं। तो कहा कि ऐसे लोग तो मुसलमान हो ही नहीं सकते, इज नॉट वन ऑफ अस, कहा कि ये तो हमारे मुसलमानों ईमान वालों में से तो हो ही नहीं सकते। तो कभी भी कोई अगर आपको चीज बुरी लगे, क्या कोई आपकी चीज लॉस्ट हो जाए, कोई अल्लाह ताला आपके सब फैमिली मेंबर्स को लॉन्ग लाइफ दे, हयात वाली जिंदगी दे, लेकिन अगर कोई फौत हो जाते हैं, कोई यानी कोई मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो उस पर चीखना, चिल्लाना, कपड़े फाड़ना, जोर जोर से अपने चेहरे पे मारना, दिस इज नॉट अलाउड, ये मुसलमान नहीं करते हैं। मुसलमान क्या कोई मुश्किल में, परेशानी में इस तरह पागल हो जाता है? मुसलमान तो बड़े ब्रेव होते हैं ना, मुसलमान बड़े हिम्मत वाले होते हैं। मुसलमान और मोमिन कैसे होते हैं, उनको ना हर चीज को टॉलरेट करना आता है, तो वो इस तरह रोते चिल्लाते कपड़े फाड़ते ये नहीं करते हैं, वो तो सबर के साथ, रोते भी हैं तो सबर के साथ रोते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं। तो मुहर्रम में आप देखें ये सारी चीजों से अपने आप को दूर रखें। ओके वो जो एलिफेंट का प्रोसेशन निकलता है, फिर ये बीबी का अलम कहते हैं, और काले कपड़े पहनते हैं, कुछ स्पेशल खाने होते हैं, ये सब दीन का हिस्सा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बिलीव मी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ था। विल यू डू इट? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करे, आप करोगे? नहीं करेंगे। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने भी नहीं किया, क्या आप करोगे? नहीं। जो काम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, कुरान में नहीं है, सहाबा ने नहीं किया, इफ वी डू इट, फिर तो अल्लाह ताला की पनिशमेंट आएगी, फिर तो अल्लाह ताला हमें पकड़ेगा जरूर, क्योंकि अल्लाह ने नहीं बताया, रसूल ने नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी आप कोई काम करें तो आपने करना क्या है, आपने किसको देखना है, हमने देखी है ना किन तीन चीजों में आप चेक करेंगे। कोई भी अच्छे अच्छे काम है जिससे कहते हैं कि ये करो इससे आपको सवाब मिलेगा, ये करो इससे आपको जन्नत मिलेगी, तो आप कहाँ देखेंगे, अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये कि सही है कि नहीं, कहाँ देखेंगे? चले मुझे किसी से पूछने दें कि अगर हमें अच्छे नेक काम करने हैं तो हमें उसको कहाँ चेक करना होगा, और ये मुझे बताएंगे निदा हमर। निदा हमर, निदा हमर, यस मैम। ओके निदा, सपोज मैं आपको एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप ना अभी बैठकर सूरे यासीन 50 टाइम्स पढ़ें,
इसमें बहुत सवाब है, अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल कर देगा. विल यू बिलीव मी और आर यू गोइंग टू चेक इन दिस थ्री थिंग्स? यस निदा, या मैं आपको कहूं कि आपने ये कहूं कि आपने मगरिब से पहले या मगरिब के बाद आपने स्पेशल कोई और नमाजें पढ़नी है, तो आप एकदम से बिलीव कर लोगी या आप चेक करोगी कहीं? आई कांट हियर यू निदा. यस निदा, कहाँ चेक करेंगे हम? ओके निदा कुछ कह रही है लेकिन हम तक आवाज नहीं आ रही है. ओके लेट मी चूज समवन एल्स. और ये हम ले लेते हैं, किसे लें? मरियम अंसारी. मरियम अंसारी. यस मैम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मरियम कैसी हो आप? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मरियम, अल्हम्दुलिल्लाह. मरियम घर में आज रोजा है कोई? हाँ है, मम्मी करती हैं. अच्छा, चलें बड़ी अच्छी बात है. तो मरियम मुझे बताएं, अच्छा पहले एज बताएं क्योंकि मुझे एज से पता चलता है किस तरह के मैं सवाल करूँ. आप अपनी एज बताएं. 7 इयर्स. ओके मरियम, अगर मैं आपको कोई अच्छा सा काम बताऊं और ये कहूं कि ये आप कर लो मरियम, आपको तो अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा, आपको तो जन्नत में अल्लाह ताला बड़ा सा पैलेस देगा, तो वो काम आप फौरन कर लोगी या आप कहीं जाकर देखोगी ये तीन चीजों में? हमें वो अच्छी बात कहाँ देखनी होगी? कुरान में. कुरान में. ओके और सेकंड हम कहाँ देखेंगे वो अच्छी बात? वाकई इज इट करेक्ट के नहीं, कहाँ देखेंगे हम उसको? कुरान में. और नेक्स्ट मोहम्मद अयान काफी एक्साइटेड है आंसर देने के लिए. अच्छा मरियम अंसारी ने कुरान कह दिया, एक ठीक है. और मुझे बता दें कोई, कौन बताए? हमें तीन चीजों में देखना होगा कोई भी अच्छा काम, हमें कहाँ चेक करना होगा? कि तीन चीजों में, और तीन चीजें आपको स्लाइड पर नजर भी आ रही हैं. ओके इसमें है नाम किसका लें हम? बिस्मिल्लाह, मैं जिससे पूछ रही हूँ अल्लाह करे कि उन्हें वाकई सही जवाब पता हो. जाइना, जाइना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू. जाइना आपकी क्या एज है? मैं 11 इयर्स की हूँ. 11 इयर्स, फिर तो आप अच्छी तरह से बता सकती हैं. कोई भी नेकी का काम, अच्छा काम, वो बिल्कुल सही है या गलत है, हम कहाँ चेक करेंगे? हम कुरान में पहले चेक करेंगे, जब कुरान में नहीं मिला तो हम हदीस में चेक करेंगे, जब हदीस में नहीं मिला तो हम सहाबा जो किए हैं उन्हें चेक करेंगे. अगर ये तीनों जगह नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे हम? मीन्स ये गलत होगा फिर. लेकिन आपको लोग कहेंगे नहीं इसमें बहुत सवाब है, इसमें तो अल्लाह ताला इतना सवाब देंगे आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन वो ना कुरान में है ना हदीस में है ना सहाबा ने किया, तो आप करेंगे फिर भी? नहीं, क्योंकि वो बिदअत बिदअत हो जाती है. माशाल्लाह, वेल सेड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इस कम उम्र में अभी से सीख लें कि नेकी क्या होती है. नेकी वही होती है जो कुरान में है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई और जो सहाबा ने किया है. दैट्स इट. इसके अलावा हमें कोई और अच्छे काम कोई और आके बताते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. अगर वो कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, सहाबा ने ना नहीं किया, सो वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू डू इट. क्लियर है इंशाल्लाह? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी आज की क्लास के लिए इतना ही है और हम इंशाल्लाह, आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हुआ है समर कोर्स और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, और एक टाइम आप लोगों के लिए रियली होना चाहिए कि आप वीकली कम से कम एक दिन वीक में एक घंटा अपनी दीन के बारे में सीखें, अपने मैनर्स को बेस्ट बनाएं, अपने आप को बेस्ट मोमिन बनाने की कोशिश करें. आई रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स कि वो भी आपको पाबंदी के साथ हर मंडे की क्लास में वीक में एक दफे जरूर बिठाएं. इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आप लोगों को, यानी जो गुनाह के काम हैं, जो बुरे काम है, अल्लाह ताला उन सब से महफूज रखे. आप एक बेस्ट एक इंशाल्लाह मोमिन बनेंगे इंशाल्लाह या रब. तो अभी जो नई बात है, नया कोर्स आने वाला है,
लेकिन हम बताएंगे नहीं आपको वो कोर्स क्या है। बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स है और इंशाल्लाह ये 3 मंथ्स का कोर्स होगा और इसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक बेहतर मोमिन बना सकें, आपको एक अच्छी सी नॉलेज हम दे सकें। तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। अभी समर कोर्स हमारा मुकम्मल हो गया है, आपके ग्रुप मैम्स इंशाल्लाह आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, लेकिन इसमें अटेंडेंस मस्ट है। हमारी टोटल 8 क्लासेस थी समर कोर्स की। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई है तो गो टू हुदा दावा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाएं, यू नो द प्लेलिस्ट देयर, प्लेलिस्ट में जाएं, इन द प्लेलिस्ट यू विल फाइंड ऑल आवर लेसन्स, ठीक है, ऑल हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। वेन आप वहां पे देखें समर हलकतुल हुदा कोर्स, ठीक है, तो अपनी पेंडिंग क्लासेस को कंप्लीट करें ताकि आपको सर्टिफिकेट मिले और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको न्यू कोर्स के सारे डिटेल्स देंगे और आपने पूरी कोशिश करनी है कि अपने कजन्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने क्लासमेट्स को जरूर इनवाइट करें। आप भी अच्छी बातें सीखें और अपने साथ वालों को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मुलाकात करेंगे समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। टिल देन जज़ाकल्लाहु खैरन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته